इसको डॉक्टर के साथ मिला दो। ये इसके नीचे साथ ऐसे इसको ऊपर वाले के साथ, फिर इसको आगे वाले के साथ, फिर आगे वाला नीचे आ गया, दूसरे आगे वाला यहाँ ये है ना, इसलिए आगे वाला ऐसे। ठीक है, तो उनकी जो रन रेट होती है वैसे चलती है, रस्सियाँ आगे पीछे एक दूसरे को तोड़ती हुई चलती है ना। ये बस इतना फर्क है, ये 10 ओवर का है और ये ग्राफ बड़ा है। टीवी में आप स्क्रीन छोटी देखते हो, और वो ओवरेज कितना होता है उसमें 50, इसलिए उनकी थोड़ी अच्छी वाली रस्सी आ जाती है। ये हो गया आपकी, आप यहाँ पे वही लिखना, आपने क्या लिखना है, टीम ए डॉट टीम बी डॉटेड, ठीक है। और नीचे का लिखना नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे स्कोर, यहाँ पे क्या लिखना, जो भी स्कोर या समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कर दो इसको। अच्छा, इसको मिलाना तो भूल ही गए हम, मिलाना तो इसको, इसको इससे मिलाओगे ये कुछ ऐसी जाएगी लाइन, और इसको नीचे मिलाना है। जो पीछे वाले हिस्टोग्राम है उनमें देख, इंटर वाले क्या थे, सेम देगा, पीछे वाले 3 क्वेश्चन किए थे, और इसमें इंटरवल क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, अलग अलग है ना, यस सर, बस यही फर्क है। अब इसमें जैसे ये है पहले वाला एज नंबर ऑफ फिगर देख ले, पढ़ ले क्या लिखा हुआ था। ये टेबल कुछ मतलब रफली टेबल कैप के रखी है, एक तो हम एमबीए वाले को देते हैं, आप डाटा कलेक्ट करो, वो तो सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। ये उन्होंने थोड़े जूनियर आर्टिस्ट रखे हुए थे, ठीक है, सरकारी कर्मचारी, तो उन्होंने जैसे डाटा दिया वैसे दे दिया, सरकारी कर्मचारी कट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एज ए रैंडमली सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज, ड्राई हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा बो। यानी जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, जो पार्कों में बच्चे खेलते हैं, 1 से 2 साल के कितने होते हैं, 5 बच्चे, फिर 2 से 3 साल के 3 बच्चे, फिर डायरेक्ट इकट्ठा कर दिया 3 से 5 साल के कितने बच्चे, 6, 5 से 7 साल गए 12, 7 से 10 साल गए 9, और 10 से 15 गए 10, 15 से 17, 4, ठीक है। तो ये डाटा था, इसका हिस्टोग्राम बनाना है। अब हिस्टोग्राम ये ऐसा तो है नहीं कि डब्बे छोटे बनेंगे फिर बड़े बनेंगे, छोटे बनेंगे बड़े बनेंगे, बनने को तो ऐसे ही बनेंगे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या आएगी। अब एक बार बताओ, 102 में मैं लिख दूँ 5, थोड़ा रफली फिगर बता रहा, अगर मैं ये लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब अगर मैं ये लिखूँ 102 में कितने हैं 5, तो 102 वाले डब्बे में 5 भी कर दूँ, गड़बड़ क्या होगी वो देखना, ठीक है। फिर 2 से 3 वाला 3 पे, ये भी ठीक है, जब तक इनमें गैप सेव है वो ठीक है। अब 3 से 5 वाला कितने पे है, 6 पे। अब 3 से 5 वाले को अगर मैं 6 पे भर दूँ, 3 से 5 सीधा, ऐसे नहीं हो जाएगा, और होना कैसे चाहिए था। अब ये देखना, इसने इसने कितना कर दिया, 3 से 4 वाला भी 6 पे,
और चार से पांच वाला भी छह पे, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया ना, तीन से चार ये भी छह है और चार से पांच ये भी कितने हैं, छह। तो टोटल कितने हो गए, बारह। हमें चाहिए कितने थे, छह चाहिए थे ना, तो हम क्या करेंगे, इनको आधा आधा बांटेंगे, क्या करेंगे, तीन यहाँ से और तीन यहाँ से, ताकि टोटल छह हो जाए। समझ आया। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले तो वो टेबल देखो जो तुम्हारा सबसे ज्यादा कॉमन आ रही है, इसमें इसमें एक का गैप, इसमें भी एक का, इसमें दो का, फिर तीन का, फिर पांच का, फिर दो का। सबसे ज्यादा गैप कितने वाला है, दो वाला गैप है ना, हम दो दो में कर दें इसको। अगर हम इसको दो दो में करें तो थोड़ा टेबल जल्दी बन जाएगी। तो इसके लिए देखो, जैसे तीन हम नई टेबल बनाएंगे, इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, नई टेबल, हमने कॉमन गैप लिया कितना, हमने एक्चुअल में कॉमन गैप ले लिया टू का, कितने का ले लिया, टू का अवेलेबल किया था कर, इसमें सबसे छोटा गैप भी ले लो, सबसे छोटा गैप कितने का, एक का, और एक से कहाँ तक है, 17 तक है ना। तो ये एक से हम 17 तक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अरे एज वाला नीचे नहीं आएगा, नीचे तो एज वाला आएगा। अच्छा अगर कॉमन गैप वैसे सबसे ज्यादा गैप कितने का दिख रहा है, 2 2 का दिख रहा है ना। हम दो दो का गैप ले लें।